हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपिक स्टडी पार्ट ऑफ एन एकेडमिक ग्रुप। मैं हूं सचिन मोदी, आपका रीजनिंग एजुकेटर, और मैं आज आपको यहां पर बताऊंगा कि किस तरीके से हमें आरआरबी आरबीआई असिस्टेंट की प्रिपरेशन करनी चाहिए और कैसे हम ये एग्जाम निकाल सकते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट से हैप्पी न्यू ईयर गाइज इन एडवांस। मैं आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये नया साल आपके लिए बहुत रोमांचकारी होगा और आपकी जितने भी ड्रीम्स हैं गवर्नमेंट जॉब को लेकर के, जिस भी एग्जाम को आप निकालना चाहते हैं, उसके लिए मेरी ओर से आपको एडवांस में शुभकामनाएं। सो माय डियर स्टूडेंट, आज हम यहां पर हैं हमारे स्टडी प्लान के साथ में कि कैसे हम आरबीआई के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज जो आपको नोट डाउन करनी है, इट्स नॉट अ बिगेस्ट एग्जाम, ये कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है। आप आराम से इस एग्जाम को निकाल सकते हैं, बिकॉज ओवरऑल ये जो एग्जाम है, दिस इज फॉर क्लर्क, ये आपके क्लर्क की पोस्ट का एग्जाम है, ठीक है। सो ये चीज अपने दिमाग में से निकाल दो कि भाई ये पेपर बहुत टफ होगा। आप अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मैंने आपको एक सेशन दिया था, अगर आप सर्च करेंगे रीजनिंग बाय सचिन मोदी सर या फिर आरबीआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो यू विल गेट, आपको मिल जाएगा प्रीवियस ईयर का पूरा पेपर, जो कि रीजनिंग का मैंने आपको हाल ही में 1 या 2 हफ्ते पहले ही करवाया है, ठीक है। तो आपको यहां पे घबराना नहीं है कि पेपर बहुत टफ होगा, मैं इसे कैसे क्रैक करूंगा, किस तरह से क्रैक करूंगा, आपको इसके लिए बिल्कुल भी घबराना नहीं है। सेकेंड पॉइंट ये है, अगर आप डेली वाइज स्टडी करते हैं, डेली वाइज यानी कि जैसा मैं आपको स्केड्यूल दे रहा हूं, अगर आप वैसे डेली वाइज स्टडी करते हैं, तो आप ये 100% मान लीजिए कि आपका पेपर निकल जाएगा। ऐसा नहीं है कि यार आरबीआई का एग्जाम कोई रॉकेट साइंस है, नहीं, इट्स नॉट ए रॉकेट साइंस। आपको बस डेली कॉन्सिस्टेंट दिखाना है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आरबीआई का एग्जाम निकालने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी कंसिस्टेंसी। आप कितने कंसिस्टेंट हैं, कितने लगातार आप प्रिपरेशन कर रहे हैं इस एग्जाम को निकालने के लिए, ठीक है। सो मैं आपका ज्यादा वक्त यहां पर नहीं लूंगा मेरे प्यारे बच्चों, और अपन स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को कि हमें किस तरीके से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस दिन हमें क्या करना है। तो ये जो सेशन है, इस सेशन में मैं आपको कंप्लीट जी स्ट्रेटजी बताने वाला हूं रीजनिंग को लेकर के, ठीक है। तो आपसे बस यही उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर करें, शेयर कर दें, ताकि आपके जो बाकी फ्रेंड्स हैं वो भी इस स्टडी प्लान का पूरा फायदा उठा सकें। सो माय डियर स्टूडेंट, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी बच्चों से ये जरूर कहूंगा कि आप मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये मैं आपको इसलिए बता देता हूं कि ज्वाइन करने के लिए अगर आपके पास टेलीग्राम की ऐप है, तो आप टेलीग्राम की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, या टेलीग्राम की ऐप है तो वहां पे जाकर के बस ये सर्च करिए सचिन सर अन अकेडमी। फायदे बताता हूं मैं आपको, बेनिफिट्स कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, डेली जो यूट्यूब पे मैं आपको क्लासेस देता हूं, डेली यूट्यूब पे जो मैं क्लासेस देता हूं, उसकी पीडीएफ आपको यहां पर मिलेगी, पहली बात। सेकेंड ये है कि पीडीएफ के अलावा जितने भी एग्जाम के अपडेट्स होते हैं, चाहे वो रिजल्ट को लेकर के हो, चाहे वो नोटिफिकेशन को लेकर के हो, किसी भी तरह का, चाहे वो किसी भी तरह के रिजल्ट को लेकर के आए या फिर कोई डेट एक्सटेंड हो रही है उसको लेकर के आए, तो वो अपडेट्स आपको इस ग्रुप में मिलेंगे। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि आप यहाँ पे अपने ही काफी सारे स्टूडेंट से जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं सेम एग्जाम की, उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं, चाहे आप मैथ्स मैथ्स को डिस्कस कर सकते हैं, रीजनिंग कर सकते हैं, इंग्लिश कर सकते हैं, या फिर आप बैंकिंग अवेयरनेस या जीके को डिस्कस कर सकते हैं, करंट अफेयर को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। सो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, आप ये जो टेलीग्राम ग्रुप है ये जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें अभी के अभी। सेकेंड थिंग ये है कि गाइज, अगर आप मेरे साथ अनअकैडमी पर पढ़ना चाहते हैं, अनअकैडमी प्लस पे, और आप चाहते हैं कि हाँ मुझे इसका सब्सक्रिप्शन लेना है, तो यू कैन यूज माई कोड सचिन10, आप मेरे इस कोड को यूज कर सकते हो सचिन10, इससे आपको 10% छूट मिलेगी, 10% इसका फायदा भी आपको होगा। चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं अपने डे वन को लेकर के। देखिए, नया साल है जनवरी 2020, तो आपको 1 तारीख से ही पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है, वो भले ही आप चाहे बेसिक से स्टार्ट करें। सो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कोडिंग डिकोडिंग का बेसिक कितना स्ट्रांग है। मैं नए एस्पायरेंट्स को तो विशेषकर ये कहना चाहूंगा कि यार गाइज, आप किसी बुक का सहारा ले सकते हैं थोड़ा सा बेसिक पढ़ने के लिए। अगर आप बुक का भी सहारा नहीं करते हैं, तो हर एक चैप्टर के बाद सर्च करिए सचिन मोदी सर, ध्यान रखिएगा पूरा नाम लिखेंगे सचिन मोदी सर, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको चाहिए कि मुझे उसकी बेसिक समझने हैं, तो मैंने ढेरों वीडियो बनाए हुए हैं, अप्रोक्सीमेटली 2000 से ज्यादा मेरे वीडियोज आपको मिल जाएंगे।
तो 2000 से ज्यादा वीडियोस हर एक टॉपिक को कवर करता है। तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी भी टॉपिक के बाद आप लिखेंगे सचिन मोदी सर, ये आप गूगल पे लिख सकते हैं, ये आप यूट्यूब पे लिख सकते हैं, सो आपको मेरे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे। तो करना क्या है, जनवरी 1 को आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है और साथ में ऑर्डर एंड रैंकिंग पढ़ना है। इसमें विशेषकर इसके बेसिक, इसके फॉर्मूला यानी कि इसका लॉजिक, और साथ में यह ध्यान रखिएगा साथ में इसके जो भी टाइप्स होते हैं उन सभी टाइप्स को आपको पढ़ना है। यानी कि आपको ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा मैं आपको कहूं तो आपको करीब 2 घंटे की स्टडी करनी है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना 2 घंटे। यानी अगर आप 1 घंटे कोडिंग डिकोडिंग को दे देते हो और 1 घंटे अगर आप ऑर्डर रैंकिंग को दे देते हो, आपका काम हो जाता है। तो 1 तारीख को आपको यह करना है। फिर दूसरी तारीख को क्या करना है, देखिए ब्लड रिलेशन, इसके जितने भी टाइप्स होते हैं, इसके जितने भी बेसिक्स होते हैं, इसके जो भी आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो आप लगाइए, यानी ब्लड रिलेशन। क्योंकि यहां से ध्यान रखना एग्जाम में 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं, मतलब कोई नहीं रोक सकता 2 क्वेश्चन इसके पेपर में आने से। तो 2 क्वेश्चन का आपका ये पूरा सेट बनता है, एक ब्लड रिलेशन का, साथ में ब्लड डायरेक्शन, डायरेक्शन के आपके 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन पेपर में होंगे ही होंगे। तो इसमें भी आपको बेसिक पढ़ना है, इसके टाइप पढ़ने हैं और साथ में प्रैक्टिस करनी है, और ये ओवरऑल पूरी चीजें आपके आराम से 2 घंटे में हो जाएंगी, 2 घंटे में आराम से। अगर आप, मैं ब्लड रिलेशन का बेसिक भी आपको पढ़ाता हूं और इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवाऊंगा तो मैं 1 घंटे में आपको काफी सारी चीजें करवा सकता हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको इसमें महारत हासिल करनी है, ठीक है, मैं बस इतना कह रहा हूं कि आपको बेसिक करना है, उसके टाइप करने हैं और प्रैक्टिस करनी है। 1 घंटा अगर आप ब्लड रिलेशन के लिए निकाल दो और 1 घंटा आप डायरेक्शन के लिए निकाल दो 2 जनवरी को, तो सोने पे सुहागा होगा। मतलब काफी अच्छी प्रिपरेशन, आप काफी अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं सिलॉक्स की और इनइक्वालिटी की। देखो काफी हद तक तो मुझे लगता है कि ये चैप्टर आपका क्लियर है, बट फिर भी मैं आपसे यही कहूंगा इसके नंबर ऑफ टाइप के ऊपर जरूर से जरूर एक बार नजर गाड़ लें, क्योंकि मैंने आपको बहुत सारे वीडियो करवाए हैं सिलॉक्स के ऊपर। इसके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं ओनली और ओनली अ फ्यू के, वो आप जरूर देख लें, मेरे ढेरों वीडियो हैं यहाँ पे। तो आप रीजनिंग बाय सचिन मोदी सर, सचिन मोदी सर ध्यान रखिएगा, ये सर्च करिए तो नंबर ऑफ टाइप आपको मिलेंगे, ओनली ओनली फ्यू के कॉन्सेप्ट मिलेंगे। साथ में यार बेसिक बहुत अच्छे तरीके से करिए आप, बेसिक अगर आप कर लेंगे ना आपका आराम से 3 से 5 मार्क्स आएगा। ध्यान रखिएगा 3 से 5 क्वेश्चंस पेपर में आपके पास होंगे, और वही सारी चीजें आपको इनइक्वालिटी के लिए करनी है। अगर आप इनइक्वालिटी में सेम चीज करते हैं, उसके टाइप को लेकर के, उसके प्रैक्टिस को लेकर के, डायरेक्ट इनइक्वालिटी को लेकर के और इनडायरेक्ट इनइक्वालिटी जिसे हम कोडेड इनइक्वालिटी का नाम देते हैं, अगर आप ये अच्छे से कर लेते हैं, सो माय डियर स्टूडेंट LIC के मेंस पेपर में सोचिए 5 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं कोडेड इनइक्वालिटी के मेंस में। तो सोचिए कि ये चैप्टर हमारे IBPS क्लर्क मेंस के लिए कितना इंपॉर्टेंस है, मतलब काफी इंपॉर्टेंट ये रखता है, इंपॉर्टेंस ये रखता है। इसके बाद अब अपन स्टार्ट करते हैं अपने पजल्स के सेशन के साथ में। पजल्स जिसको देख करके बहुत सारे बच्चों की सट्टे पिट्टे गुम हो जाती है, मतलब उन्हें ये लगता है कि पजल आ गया है, मतलब कि हमारे सारे मार्क्स अब ये खा जाएगा। पर घबराना नहीं है, पहली बात तो घबराना नहीं है आपको। देखिए पजल डेफिनेटली आपका मेंस का एग्जाम है, मैं कभी नहीं कहूंगा कि बहुत ईजी आएगी यार, आप आराम से 2 मिनट में 3 मिनट में लगा लोगे, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि आप ऐसा भी नहीं कि आप नहीं लगा सकते। देखिए इम्पॉसिबल, अगर आप इसको बहुत बहुत अच्छे तरीके से बहुत गौर से पढ़ोगे तो ये कहता है आई एम पॉसिबल, मतलब मैं पॉसिबल हूँ, मैं कर सकता हूँ। तो माय डियर स्टूडेंट देखिए ये तो आप दिमाग में रखिए कि 3 या 4 सेट आपके पेपर में होंगे ओवरऑल पजल सेटिंग से, पर जिसमें मैं ये कह सकता हूँ कि आप 2 से 3 सेट कर सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते, 2 से 3 सेट आप कर सकते हो, पर 2 सेट तो आप 100% एग्जाम में निकाल दोगे। अगर 2 सेट आप कर सकते हो तो 3रे सेट के एटलीस्ट हम ट्राई कर सकते हैं अभी से। तो इसके लिए क्या करो आप, डिफरेंट पजल ध्यान रखिएगा, डिफरेंट पजल करिए, जितनी ज्यादा डिफरेंट पजल आप कर सकते हैं उतनी डिफरेंट पजल आप करिए। लाइक अगर मैं यहाँ पे बहुत बेसिक से बात करूँ तो वेरिएबल की पजल ज्यादा करिए, क्योंकि वेरिएबल की पजल में बहुत सारे बच्चे अटकते हैं। फिर आप बॉक्स फ्लोर की करिए कि जितने भी बॉक्स हैं, जितने भी फ्लोर हैं, 9 फ्लोर, 10 फ्लोर, 11 फ्लोर, 12 फ्लोर, 13 फ्लोर, 14 फ्लोर, 15 फ्लोर, वो भी क्वेश्चंस करिए। मतलब जितने भी आप फ्लोर के, बॉक्स के, मंथ के अंदर 2 डेट्स 3 डेट्स, फ्लोर की, फ्लैट की, डबल सर्कल, ठीक है, मतलब कई सारे पैटर्न होते हैं इसके अंदर जिसकी की मैं बात कर सकता हूँ। यानी अगर मैं आपको यहाँ पे बताना शुरू करूँ तो कम से कम मैं 100 तरह की पजल्स आपको यहाँ पे बता सकता हूँ, 100 टाइप ऑफ पजल।
तो पर वो यही यही चीज मैं आपसे चाहता हूं कि अगर मैं 100 टाइप ऑफ पजल बताऊं तो आप 100 टाइप ऑफ पजल कर लें, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा और आप अगर वो कर लेते हो ना, तो फिर मैं ये गारंटी से कहता हूं कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन पजल का नहीं हो सकता जो आप नहीं बना सकते हो। और वो 100 से कम 95-96 पैटर्न के ऊपर मैं पजल बना चुका हूं। और इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि किसी भी पजल के आगे अगर आप लिखोगे सचिन मोदी सर, तो आपको वो पजल का वीडियो मिल जाएगा और अच्छे से एक्सप्लेनेशन और अच्छे लेवल का क्वेश्चन मिलेगा, अपने लेवल का क्वेश्चन, मेंस लेवल का क्वेश्चन, है ना। इसके बाद 5 जनवरी को बच्चों आपको क्या करना है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज और मिसलेनियस पैटर्न के क्वेश्चंस करने हैं। अल्फा न्यूमेरिक और मिसलेनियस पैटर्न के क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और यहां से तो क्वेश्चन हमें एटलीस्ट करने ही करने हैं, क्योंकि ये हम उम्मीद करते हैं कि हमारे 5 क्वेश्चन या फिर 0 क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा ये दोनों ही पॉसिबल है इससे, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से, है ना। तो यहां से हमारे पास पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो फिर प्रैक्टिस सेट, अब आती है बारी 6 तारीख को हमारे पहले मॉक की। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप एक मॉक पेपर लगाइए, ठीक है, यानी कि स्पीड टेस्ट। स्पीड टेस्ट आपको जो सबसे बेहतर लगता है आप वहां से लगाइए। मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन का लगाओ, उस ऑर्गेनाइजेशन का लगाओ, उस ऑर्गेनाइजेशन का लगाओ। मैं बस ये जरूर कहूंगा कि अगर आपको लगता है कि हाँ ये वाले ऑर्गेनाइजेशन का मुझे मॉक लगाना है, मॉक लगाइए, ठीक है। पर 6 तारीख को आपको मॉक लगाना है, मॉक का एनालिसिस आपको करना है कि क्या क्या पेपर में था, कैसे कैसे था, आपने कितना टाइम किस क्वेश्चन को दिया, ये भी आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। तो ये आपके पूरे की पूरे लगभग 1 वीक का मैंने आपको स्केड्यूल बता दिया। अब इसी तरीके से हम आगे चलते हैं। अगर मैं आगे देखूं तो हमारा नेक्स्ट स्केड्यूल होता है 7 तारीख से लेकर के 12 तारीख का। यानी अब आप ये देखिए कि पूरे लगभग एक एक वीक का स्केड्यूल यहां पे आ गया। देयर इज नो संडे, नो मंडे, सब कुछ आपको पढ़ना है, हर दिन आपको पढ़ना है। तो 2 दिन को आपको सेट, देखो अब मैंने यहां पर भी आपके लिए क्या रखा है, प्रैक्टिस सेट रखा है ना। मतलब मैं बहुत सोच समझ करके आपको हर चीज बता रहा हूं कि हाँ अगर आप इस तरीके से करोगे तो डेफिनेटली आप अपना पेपर निकाल दोगे। तो प्रैक्टिस सेट की मैं बात करता हूं, इस प्रैक्टिस सेट में आप क्यूज भी लगाएंगे, मॉक पेपर भी आप लगाएंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा मैं चीजें बता रहा हूं, एनालिसिस भी आप उसका करेंगे, ठीक है। कितना टाइम किस टाइम का आप पता रखेंगे कि टाइम ड्यूरेशन आपने कितना दिया है किस क्वेश्चन को, ये टाइम ड्यूरेशन आप पता करेंगे। तो हर चीज आपको देखनी है, हर चीज, क्विज देखिए, मॉक पेपर देखिए, एनालिसिस देखिए, टाइम ड्यूरेशन देखिए, कितने क्वेश्चन आपने स्किप किए हैं, कितने आपने रॉन्ग किए हैं, कितने क्वेश्चन को आपने शॉर्ट टाइम में किया है। तो ये सारी चीजें आपको पता करनी होंगी, क्योंकि देखो अगर आपको अपनी कमजोरियां पता है तो आप एक अच्छे प्लेयर बन सकते हो। पर अगर आप ये सोचते हो कि आपको आपकी कमजोरियां है ही नहीं आपके अंदर, तो फिर आप कभी एक अच्छे प्लेयर नहीं बन सकते। सो माय डियर स्टूडेंट, अपनी वीकनेस को फोकस करना, अपनी वीकनेस को सबसे ज्यादा टारगेट करना। आप ये सोच लीजिए कि मुझे आरबीआई नहीं टारगेट करना, अपनी वीकनेस को टारगेट करना है। जहां आपकी वीकनेस खत्म हो गई वहां आपका पेपर अपने आप क्लियर हो जाएगा, वो अपने आप हो जाएगा। मतलब आपको उसके लिए घबराने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, है ना। अब आगे देखिए, तो क्या करना है हमें, हमें यहाँ पे 6 तारीख को और 7 तारीख को मॉक लगाना है और इन चीजों को बहुत ज्यादा फोकस करना है। और इसके बाद 8 तारीख को हम फिर से शुरू करेंगे, डायरेक्शन से शुरू करेंगे और इनइक्विलिटी पे आएंगे। तो डायरेक्शन के अब मैं थोड़े से एडवांस लेवल पे बात करूंगा, ठीक है, कि अब मुझे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करने हैं। और साथ में इनइक्विलिटी के भी मैं कुछ न्यू पैटर्न के और एडवांस के क्वेश्चंस करना स्टार्ट करूंगा। तो भाई जैसे ही मेरा बेसिक खत्म होता है, एब्सोल्युटली बात है कि मैं एडवांस में फोकस करूंगा। कई सारे बच्चे सोच रहे हैं कि सर मेंस है तो बेसिक तो क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, तो मैं इस बेटर कि मैं एडवांस करता हूं। तो बिल्कुल आप पीछे जा सकते हैं और आप इन सभी टॉपिक से रिलेटेड एडवांस पढ़ सकते हैं। मतलब आपको यहाँ पे कोई रोकेगा नहीं, है ना। बट मेरा काम है कि आप जब भी मेंस एग्जाम दे रहे हो तो एक बार बेसिक को जरूर उठा करके देख लो, क्योंकि हर बेसिक आपको याद हो जरूरी नहीं है और हर बेसिक से मतलब क्वेश्चन आए ये भी जरूरी नहीं है। पर हर एक बेसिक हमें दिमाग में रहना चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एडवांस लेवल के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, जिसमें पजल के हम कोडेड पजल की न्यू पैटर्न, ठीक है, साथ में पजल पजल करेंगे डायरेक्शन वाली। ये 3 चीजें स्पेशली मुझे फोकस करनी है, क्योंकि यहां से 5 क्वेश्चन का सेट भी पेपर में बन सकता है, ठीक है। और इनइक्विलिटी की बात करूंगा तो इनइक्विलिटी में स्पेशली आपको फोकस करना है कोडेड पे, ठीक है। सबसे ज्यादा फोकस कोडेड पे करिए, क्योंकि दैट विल टेक योर टाइम, ये आपका टाइम सबसे ज्यादा कंज्यूम करेगा। और जो ट्रिक मैंने आपको सिखाई थी मतलब इनइक्विलिटी को लेकर के, जो बॉक्स मेथड मैंने आपको बताया है इनइक्विलिटी को सॉल्व करने का, अगर वो आपको पता है तो आप इन क्वेश्चन को कम ड्यूरेशन के अंदर कर पाएंगे और ज्यादा इफेक्टिवनेस आप अपना पेपर में दिखा पाएंगे। और ये बहुत जरूरी भी है कि अगर आप किसी पेपर को क्रैक करना चाहते हैं तो आपको अपना इफेक्टिवनेस दिखाना पड़ेगा।
9 तारीख को बच्चों आपको सिलॉक्स और ब्लड रिलेशन के एडवांस क्वेश्चंस करने हैं, दोनों के एडवांस। इसके अंदर आप देखिए कि आप इसमें रिवर्स सिलॉक्स कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप सेट्स ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल सिलॉक्स कर सकते हैं, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। इसमें आप कोडेड सिलॉक्स कर सकते हैं। तो दीज आर द थिंग यू नीड टू डू इन दिस पर्टिकुलर टाइम, यानी कि वही दो दो एक एक घंटे आपको पढ़ना है। एंड ब्लड रिलेशन में, स्पेसिफिकली ब्लड रिलेशन में आप केवल पजल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आप? केवल पजल पढ़ेंगे, चाहे वो शॉर्ट पजल हो चाहे वो लॉन्ग पजल हो, लेकिन आप केवल ब्लड रिलेशन में एडवांस लेवल पे अगर आप जा रहे हैं तो केवल पजल करेंगे। इस पजल में वेराइटीज बहुत सारी हैं। देखिए वेराइटीज ये फ्लोर की हो सकती है, वेराइटीज नंबर के लॉजिक की हो सकती है, वेराइटी यहाँ पे एज बेस हो सकती है, प्रोफेशन बेस हो सकती है, कलर बेस हो सकती है। तो देर आर सो मेनी वेराइटी ऑफ क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन ब्लड रिलेशन। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली कि हाँ यार मेरे पास बहुत वेराइटी ऑफ क्वेश्चन है, सो मुझे बहुत ब्रॉड सोच करके मेहनत करनी है ब्लड रिलेशन की पजल को सॉल्व करने में। बट ये जरूर कहना चाहूंगा कि बस जो भी तैयारी करो वो एडवांस करना, अब आपको बेसिक नहीं पढ़ना है, क्योंकि यार ऑलरेडी 9 दिन निकल चुके हैं, अपन बेसिक नहीं पढ़ेंगे। फिर बात आती है कोडिंग डिकोडिंग की और मिसलेनियस की। देखिए सो मेनी वीडियोस, मैं आपको बता दूं, अगर आप बस इतना सर्च करिए किसी भी टॉपिक के बाद लिख दो सचिन मोदी सर, और आपको मेरे सभी लेटेस्ट वीडियोस भी मिलेंगे और मेरे पुराने वीडियोस भी मिलेंगे। तो और मैं ये गारंटी से कहता हूं कि अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस खोल के भी देख लिए ना, कोडिंग डिकोडिंग मिसलेनियस और रिमेनिंग टॉपिक के, आपके पास आपका पेपर का पैटर्न सामने होगा, आपको खुद को लगेगा कि हाँ यार बहुत सारी चीजें तो सर के वीडियोस से मैच करती है। और ऐसा मैं नहीं कहता हूं क्योंकि मुझे नहीं पता होता, मैं तो पेपर में नहीं देख के आता हूं, मेरे को जो हमेशा बताते हैं वो मेरे स्टूडेंट्स ही मुझे बताते हैं कि सर ये चीज आपने पेपर में पढ़ाई थी और ये चीज पेपर में आई है। तो तब लगता है कि हाँ जो मैं मेहनत कर रहा हूँ बैकएंड पे, जो मैं काम कर रहा हूँ इस बैकएंड के ऊपर कि हाँ यार मैं आपके लिए क्वेश्चंस फ्रेम कर रहा हूँ, चीजें सेट कर रहा हूँ, वो इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आपको पेपर मिल जाए और आप बेहतर तरीके से पेपर अटेम्प्ट करें, ठीक है। सो आप इन वीडियोस को जरूर से जरूर सर्च कर लेना और सर्च करके उन्हें देख लेना। देख लेने का मेरा सेंस है कि आप उस वीडियो को या तो पूरा समझ लेना या उससे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट निकाल लेना, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, ठीक है, पर जरूर करना। और अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक बार लाइक और कमेंट भी करते जाना, ताकि अगर आपको लगता है कि हाँ यार बहुत अच्छा क्वेश्चन हमने सीखा है, कुछ नई चीज सीखी है, तो प्लीज आप सभी से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि लाइक कर दीजिएगा और लाइक के साथ साथ शेयर भी कर दीजिएगा, सो दैट कि अदर विल ऑल्सो गेट बेनिफिट ऑफ दोज वीडियोज। फिर हम वापस से बात करते हैं 11 तारीख को पजल के ऊपर। नाउ अगेन हम पजल को टारगेट कर रहे हैं। पता है हमने देखो लास्ट के मतलब अगर हम बात करें 1 जनवरी से 12 जनवरी तक हम लगातार इसी के ऊपर बात कर रहे हैं, पजल, सिटिंग, सिलॉक्स, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, इनइक्विलिटी, इसी के ऊपर बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे बात आती है वेराइटी ऑफ क्वेश्चन की। अब आपको वेराइटी करनी है, आपको बहुत डिफरेंट डिफरेंट, मैं वेरिएबल की बात करता हूँ, वेरिएबल के क्वेश्चंस करिए, एज बेस्ड क्वेश्चन करिए, या फिर मंथ बेस्ड क्वेश्चंस करिए, या फिर ईयर बेस्ड क्वेश्चंस करिए, ठीक है। तो इसमें आपको बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस की सॉल्व करने की जरूरत है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में जितने भी स्टेप बेस्ड क्वेश्चन आए हैं, स्टेप बेस्ड और कोडेड बेस्ड जो भी आपके क्वेश्चन बन रहे हैं वो क्वेश्चन आपको सीखने हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 12 तारीख का स्केड्यूल। 12 तारीख के स्केड्यूल के बाद अब हम आगे चलते हैं, अब हम आएंगे 13 तारीख को। 13 तारीख को अगेन प्रैक्टिस, 14 तारीख को प्रैक्टिस, वही चीजें आपको दोहरानी है, मॉक, क्विज, एनालिसिस, ठीक है, ये आपको करना है। कितना टाइम ड्यूरेशन आपने दिया है पर्टिकुलर क्वेश्चन को वो देखिए, कितने क्वेश्चन आपने स्किप किए हैं वो देखिए। तो ये सारी चीजें आपको करनी है, ठीक है। तो 2 दिन आप एवरी चैप्टर जो आपने पढ़ा है उस हर एक चैप्टर का आपको केवल एडवांस क्वेश्चन देखने हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी है, उनका एनालिसिस करना है, और कुछ नहीं। मॉक दे देंगे तो भी बहुत है, मॉक नहीं देते हैं तो भी ये आपको करना पड़ेगा, उसके एडवांस क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे। फिर 15 तारीख को हम एक बार फिर से सिलॉक्स और डायरेक्शन को करेंगे, 16 को हम इनइक्विलिटी और ब्लड रिलेशन करेंगे, और 17 को फिर हम पजल करेंगे, ठीक है। अभी आप देखते जाइए आगे मैं बहुत सारी चीजें सेट कर रहा हूं। तो सिलॉक्स डायरेक्शन हो गया, इनइक्विलिटी ब्लड रिलेशन हो गया, पजल हो गया, और 18 को हम करेंगे नंबर सीरीज के क्वेश्चन और मिसलेनियस। नंबर सीरीज का मतलब है मेरा जैसे 348, 572, 648, 972 एंड 138, इस तरह के जो नंबर सीरीज के क्वेश्चन आते हैं, जैसे अल्फाबेट के आते हैं ए बी सी एम एन ओ के यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई, इस तरह के सेट के क्वेश्चन हमें करने हैं, दैट इज कॉल्ड नंबर सीरीज का मतलब ये हो जाएगा, अल्फाबेट सीरीज का मतलब आपके लिए ये हो जाएगा। और मिसलेनियस पैटर्न जिसमें बहुत तो ही वेराइटीज हैं, उनको अपन कुछ नाम नहीं देख सकते हैं, तो उसको हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा आपका 18 जनवरी तक का स्केड्यूल, आप इसी तरीके से उसको फॉलो करिए। इसके बाद हम आगे आएंगे 19 जैन से 24 जैन तक, ठीक है।
आप देखो 19 से 24 में मैं फिर आ गया कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर और रैंकिंग के ऊपर और इसके सभी की सभी एडवांस लेवल के क्वेश्चंस के ऊपर। नाउ अगेन आई नीड टू फोकस ऑन एडवांस लेवल क्वेश्चन, मुझे एक बार फिर से एडवांस लेवल के क्वेश्चन पे फोकस करना है, उसकी जितनी भी वेराइटीज होती हैं उन वेराइटीज को देखना है, उसको नोट डाउन करना है। कुछ ऐसे भी पैटर्न होंगे जो आपको ज़्यादा ज़्यादा टाइम तक याद नहीं रहेंगे, तो आपको नोट डाउन करना है। फिर 20 और 21 को बच्चों आपको फिर से प्रैक्टिस करनी है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, चीज़ों को आए उसको चेक करो और उसको फिर से याद रखो, रिकॉल करने के लिए प्रैक्टिस करो। तो क्विज तो और मॉक तो आपको लगाने ही लगाने हैं। जितने ज़्यादा आप क्विजेज और मॉक लगाएंगे ना शॉर्ट ड्यूरेशन में, शॉर्ट ड्यूरेशन का मतलब समझ रहे हैं, कम वक्त के अंदर आप जितनी भी क्विज लगाते हैं ये आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा और आप उसको आसानी से क्रैक कर पाओगे, है ना। तो ये आपको एटलीस्ट करना है 21 को, फिर 22, 23 और 24, 3 दिन। अब आप देखो मैंने सिटिंग उठा लिया, सिटिंग के क्वेश्चंस करने हैं मुझे, सिटिंग की सर्कुलर पजल करनी है, कोडिंग डिकोडिंग करनी है, इनिक्विलिटी करनी है। सो नाउ अब क्या कर रहे हैं, हम मिक्स कर रहे हैं, अब हम चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट मिक्स कर रहे हैं। इससे क्या होगा, इससे फायदा होगा कि मैं एग्जाम के पैटर्न को समझने में मुझे आसानी होगी। जब मैं कॉन्सेप्ट मिस कर दूंगा तो डेफिनेटली चीजें मिक्स होंगी और चीजें मिक्स होंगी तो डेफिनेटली मुझे मल्टीपल वे से क्वेश्चन समझना पड़ेगा। पहले मैं कोडिंग डिकोडिंग कर रहा हूँ, सडनली देखा तो अगला क्वेश्चन मेरा सर्कुलर अरेंजमेंट का आ गया तो मेरा थॉट प्रोसेस चेंज हो गया, उसके बाद देखा तो इनइक्विलिटी आ गया, फिर मेरा थॉट प्रोसेस चेंज हो गया। सो ये हमें बहुत ज्यादा हैबिचुअल बनाएगा हमारे पेपर को लेकर के, कि जितने मैं मिक्स क्वेश्चन करूंगा उतनी मेरी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, मेरे मेरे दिमाग की कैपेबिलिटी बढ़ेगी और मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट कर पाऊंगा। फिर मैं आऊंगा लीनियर पजल पे, लीनियर में ध्यान रखिएगा, लीनियर के अंदर आपको नॉर्थ फेसिंग, ठीक है, साउथ फेसिंग, नॉर्थ और साउथ, और इसी में एज बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो आपको लगाने हैं, सिलॉक्स लगाना है, डायरेक्शन लगानी है, अगेन मिक्स पैटर्न है कि नहीं है। सो क्या होगा, इससे मैंने आपको बताया ना कि आपकी कैपेबिलिटी बढ़ती जाएंगी और आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे इस तरीके से क्वेश्चन को जो है अटेम्प्ट करना है। और फिर मैं फाइनली आऊंगा फ्लोर बेस्ड पजल पे, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पे और मिसलेनियस पे। देखो फ्लोर बेस्ड पजल में बॉक्स में, मंथ में और डेज में, ये जितने भी पजल है ना इनके कॉन्सेप्ट लगभग सिमिलर से कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा सबके क्या कॉन्सेप्ट है, सिमिलर कॉन्सेप्ट है और सिमिलर कॉन्सेप्ट के ऊपर ही चीजें चलती हैं। बस आपको उस सिमिलर कॉन्सेप्ट को समझना है तभी आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे पेपर में, ठीक है। तो हर चीज नोट डाउन करो, और ऐसा नहीं है आपको पीडीएफ मिलेगी, घबराओ मत हो, ठीक है। तो आप पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हो हर एक क्वेश्चन का, कि भाई मैंने क्या क्या बोला है, कैसे कैसे बोला है, वो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। अब हम बात करेंगे आगे 25th ऑफ जनवरी से 31st जनवरी तक, यानी हमारा जनवरी का महीना खत्म हो जाएगा। अब इस जनवरी के महीने में खत्म हो जाएगा तो चीज़ें आपको पता है ना कि बहुत टिपिकल हो जाएंगी, मंथ बेस पजल, ब्लड रिलेशन पजल, शॉर्ट पजल, वी नीड टू चेक एवरी पजल, हमें हर एक पजल के ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, हर एक चैप्टर के ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। फिर आप देखिए कि जैसे मेरे पास 26 जनवरी आ जाएगा, वैसे तो हमारा रिपब्लिक डे आ ही जाएगा, लेकिन फिर भी रिपब्लिक डे के अलावा भी हमें पढ़ना है। सो क्या करना है, हमें मिक्स पजल करनी है, ऑर्डर रैंकिंग के क्वेश्चंस करने हैं, मिसलिनियस क्वेश्चन करने हैं। अब वक्त अब आ गया जब मैं मिक्स क्वेश्चन ज़्यादा करूंगा, ठीक है, मिसलिनियस क्वेश्चन ज़्यादा करूंगा, मैं टेस्ट ज़्यादा लगाऊंगा, ठीक है, मैं टेस्ट लगाऊंगा, क्विज लगाऊंगा, मैं अपना टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करूंगा अभी से, ठीक है, मैं अपने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करूंगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए, आप अपनी वीकनेस को नोट डाउन करेंगे कि अब मैं किस में वीकनेस हूँ, अब मैं कितने वीक हूँ, आप अपने स्ट्रॉन्ग एरिया के ऊपर काम करेंगे कि मेरा ये स्ट्रॉन्ग एरिया है, तो आपको नोट डाउन करना है चीज़ों को। आपको ये ध्यान रखना है कि यार मैथ्स में मेरा स्कोर कितना आ रहा है, रीजनिंग में मेरा स्कोर कितना आ रहा है, बैंकिंग में कितना स्कोर आ रहा है, इंग्लिश में कितना स्कोर आ रहा है, तो यू नीड टू राइट डाउन कि आपका स्कोर इतना बन रहा है। हर एक मॉक का आप अपना स्कोर नोट डाउन करेंगे, ठीक है, इससे क्या होगा, आप एवरेज निकाल पाएंगे कि आपका एवरेज क्या आ रहा है, मेरी बात समझ रहे हो। आप सोचिए कि वही सारी चीजें जो आपका एक मॉक एनालिसिस या मॉक देने वाला ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट करता है, वो सारी की सारी चीजें आप खुद भी कर सकते हो, आप उसे नोट डाउन करके आप एवरेज निकालिए, देखो चीजें पता लगेंगी। फिर 27 और 28 को लगातार आप अपना प्रैक्टिस जारी रखो, इस दिन आप कम से कम 3 मॉक लगाएंगे इन 2 दिनों के अंदर, और 3 मॉक को आप अच्छे से एनालिसिस करेंगे, यानी बैक टू बैक लगाने को नहीं कहूंगा कि एक ही दिन में तीनों दे दो, एक सुबह दिया दोपहर तक एनालिसिस कर लिया सब चीजें कर ली,
फिर आपने एक लगाया नाइट में और एक लगाया अगली नाइट पे, तो अप्रॉक्सीमेटली 2 दिन में आप 3 मॉक लगा सकते हो, सो दैट कि यू कैन गेट सम स्ट्रेंथ, सम पॉजिटिविटी, एंड आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि यस ये प्रोसीजर रहेगा और इस तरीके से मुझे पढ़ना है ना। तो एडवांस लेवल की चीजें अपन यहाँ पे कवर कर लेंगे। फिर आएंगे बॉक्स बेस पजल पे, कोडिंग डिकोडिंग पे, इनइक्विलिटी पे। यहाँ पे भी हमें एडवांस के क्वेश्चन ज्यादा करने हैं। एडवांस के क्वेश्चन करने का मतलब ये नहीं कि मैं बिल्कुल टफ क्वेश्चन करूंगा, एकदम हाई क्वेश्चन करूंगा, बट एडवांस का मतलब है कि हाँ मैं अब मॉडरेट लेवल और पे जाऊंगा और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। कॉम्प्लेक्सिटी पे नहीं बात कर रहा हूं मैं, डिफिकल्ट पे बात नहीं कर रहा हूं। एडवांस मतलब है कि हमारे बेसिक से एडवांस, ठीक है। बॉक्स बेस पजल में हम 2 वेरिएबल के क्वेश्चन सबसे ज्यादा करेंगे क्योंकि हमारे आरबीआई के पेपर में सबसे ज्यादा बॉक्स बेस पजल के आने के चांसेस होते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में मैं सबसे जो है चाइनीज कोडिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करूंगा क्योंकि चाइनीज कोडिंग वहां पे सबसे ज्यादा आती है, या फिर कुछ न्यू पैटर्न की कोडिंग भी आ सकती है पर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगी वो। और देन इनइक्विलिटी, ठीक है। सो इनइक्विलिटी पे फोकस करेंगे प्रीलिम्स के अंदर, कोडेड के ऊपर ज्यादा, क्योंकि डायरेक्ट का तो यार मैंने आपको बहुत ट्रिक बताई हुई है कि कैसे डायरेक्ट क्वेश्चंस को आप बहुत तेजी से कर सकते हो, है ना। सो डायरेक्ट क्वेश्चन को आपको तेजी से करने के लिए यही चीज करनी है। फिर हम आते हैं स्क्वायर पजल पे, सिलॉक्स पे और डायरेक्शन पे अगेन। भाई देखो, सोचो डायरेक्ट सिलॉक्स ज्यादा पढ़ रहे हैं, डायरेक्शन ज्यादा पढ़ रहे हैं, स्क्वायर बेस पढ़ रहे हैं, तो स्क्वायर पढ़ रहे हैं हम, रेक्टेंगल यहाँ पे हम पढ़ेंगे, ठीक है। रेक्टेंगल के अलावा हम यहाँ पे डबल सर्कल के या सर्कल के क्वेश्चन ज्यादा करेंगे या 2 लाइन के क्वेश्चन ज्यादा करेंगे, ठीक है। आप समझ रहे हैं, वो इसलिए करेंगे ताकि हम इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सके। तो इस दिन 30 तारीख को कम से कम मुझे यार 10 सेट लगाने हैं। मतलब जब भी मैं पजल का या सिटिंग का मेरा डे हो ना, मैं कम से कम 10 सेट लगाऊंगा, तभी मेरे लिए यार स्ट्रेंथ बन पाएगी, तभी मैं ज्यादा क्वेश्चंस कर पाऊंगा, है ना। इसके बाद लीनियर पे आएंगे, तो लीनियर के अंदर नॉर्थ करेंगे, साउथ भी करेंगे, और नॉर्थ और साउथ दोनों भी करेंगे। यानी ये सारे कॉन्सेप्ट मुझे करने हैं। 2 लाइन मुझे करना है, मेरे लिए बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि जितना मैं करूंगा अपने लिए, अपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं बढ़ाऊंगा, अपनी प्रैक्टिस को जितना मैं करूंगा उतना मेरे लिए बेस्ट होगा। तो वो अपने लिए आपको बेस्ट करना है, ये ध्यान रखना है, और अपने लिए बेस्ट करने की कोई भी लिमिट नहीं होती है, करेक्ट है कि नहीं है? तो वो हमें यहाँ पे करना है। 31 के बाद फिर 1 फरवरी से लेकर 7 फरवरी का स्केड्यूल देखिए। मैं मंथ बेस पजल फिर से ले आया आपको, मैं नंबर सीरीज पे ले आया आपको, मैं शॉर्ट पजल पे ले आया आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक कह दूं आपको मैं, कम से कम 2 सेट होंगे आपके पास शॉर्ट पजल के, 2 सेट, और ये 2 सेट आपके कम से कम 10 मार्क्स बना देंगे शॉर्ट पजल, ठीक है। इसके ऊपर ज्यादा फोकस करना। फिर फ्लोर बेस पजल पे आ गए, कोडिंग डिकोडिंग पे आ गए और मिसलेनियस पे आ गए, ठीक है। तो वो अपन यहाँ पे करेंगे। फिर अगेन 2 दिन में प्रैक्टिस करूंगा, फिर सर्कुलर पजल, डायरेक्शन, सिलॉक्स, लीनियर, अल्फा न्यूमेरिक और इनइक्विलिटी, ये मैंने यहाँ पे कर लिया, ठीक है। अब देखिए, फिर मैं आ गया अपने 7 तारीख से लेकर 13 तारीख तक, क्योंकि दिस इज द लास्ट डे ऑफ प्रैक्टिस। ये हमारा लास्ट डे होगा प्रैक्टिस का, लास्ट डे ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि 14 के और 15 के तो पेपर हैं, तो फिर उस वक्त तो डेफिनेटली मुझे स्टडी करना है। तो फिर मैं मिक्स पजल, ब्लड रिलेशन और ऑर्डर रैंकिंग क्वेश्चन करूंगा, बॉक्स बेस पजल करूंगा, कोडिंग डिकोडिंग करूंगा और शॉर्ट पजल करूंगा। फिर मैं मंथ बेस पजल करूंगा, मिसलेनियस करूंगा और डायरेक्शन करूंगा, और इन 4 दिन में ओनली पजल करूंगा, ओनली पजल एंड सिटिंग। साथ में मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे मॉक टेस्ट दूंगा, बस ये मुझे करना है। केवल पजल सिटिंग करो, मॉक टेस्ट दो। ये देखिए, ये केवल रीजनिंग के लिए करना है। आप क्वांट के लिए, क्वांट के अंदर कैलकुलेशन कर सकते हो, आप स्पीड टेस्ट लगा सकते हो, इंग्लिश के लिए आप वॉकैब याद कर सकते हो, साइनो एंटो याद कर सकते हो, तो ये चीज करनी है, ठीक है। तो इतना आपको करना है अगर आप चाहते हैं कि हाँ मुझे इस बार किसी भी कंडीशन में आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम निकालना ही निकालना है। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। देखिए, ये टिप्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ध्यान रखिएगा, अगर आप इस टिप्स को फॉलो कर लेते हो तो श्योरली है आपका पेपर बहुत अच्छे मार्क्स के साथ निकलेगा। सबसे पहले टिप्स है फोकस ऑन योर वीक पॉइंट। आप अपने वीक पॉइंट पे फोकस करो, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार वीक पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया कि ये मेरा वीक पॉइंट है, आप उसके ऊपर इम्प्रूव कर लोगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से उस एग्जाम को प्रिपेयर कर पाओगे, पहली बार। सेकेंड, आपका जो भी स्ट्रांग पॉइंट है उसको स्ट्रेंथ में बदलते जाओ, और ये देखते जाओ कि किस तरीके से आप अच्छे मार्क्स उसके अंदर निकाल सकते हो आरबीआई के पेपर में, यानी अपनी स्ट्रांगनेस को और स्ट्रांग बनाओ, और अपने जो वीक पॉइंट है उसको क्या करो, इम्प्रूव करो। आप अपनी कैलकुलेशन स्पीड को जरूर बढ़ाओ, क्योंकि कैलकुलेशन स्पीड केवल मैथ के पेपर के लिए नहीं, आपकी लाइफ टाइम काम आएगी। तो ये कहीं ना कहीं आपके क्वांट के जो पेपर है, सेक्शन है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। आपको ये ट्रैक ध्यान में रखना है कि आपकी स्पीड क्या है। मैंने आपसे कहा था ना
कि आप एनालिसिस करते जाना, एनालिसिस करने के बाद हर एक एनालिसिस को अपने पास में रखना। क्यों कह रहा हूँ, वो इसीलिए कह रहा हूँ, तो आपको एक ट्रैक रखना होगा कि हाँ मेरी स्पीड का क्या ट्रैक है, किस तरीके से है, और मैं कितने अटेम्प्ट कर सकता हूँ मैक्सिमम दिए हुए टाइम के अंदर। तो वो ट्रैक रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए, क्योंकि वो ट्रैक रिकॉर्ड अगर, देखो भले ही ये चीज़ें आपको ऐसी लग रही हो कि सर मैं तो एक एस्पायरेंट हूँ, मैं कहाँ रिकॉर्ड रखूंगा, कहाँ ये चीज़ें करूंगा, लेकिन अगर आपको पेपर निकालना है लिटरली गाइस, तो आप ये सारी चीज़ें आपको करनी होंगी, ठीक है। तो ट्रैक रिकॉर्ड अपने पास रखिए, मेक श्योर वॉट एवर यू अटैम्प इज एक्यूरेट। मैंने क्या कहा था कि भाई जो भी करो वो आपका पॉजिटिव अटैम्प्ट की काउंटिंग में आना चाहिए, वो नेगेटिव अटैम्प्ट की काउंटिंग में कभी नहीं आना चाहिए। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जो भी अटैम्प्ट कर रहे हो वो एक्यूरेट हो। सेकंड, एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मैटर करती है आपके बैंक के एग्जाम में, आपके इंश्योरेंस के एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। सिक्स पॉइंट है आपका, टेक मॉक टेस्ट ऑन रेगुलर बेसिस। आपको रेगुलर बेसिस पे है, जब भी मैंने प्रैक्टिस का है तब आप टेस्ट लगाओ, ठीक है। रिकॉर्ड रखो अपने परफॉर्मेंस का कि भैया मेरा परफॉर्मेंस का क्या लेवल चल रहा है, ये आपको रखना होगा। ये आपके अंदर एक अच्छी हैबिट भी बनाएगा। एंड इम्प्रूव, जहां आप लैक कर रहे हो उस पे आप ज्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करो। देन सेवंथ नंबर का पॉइंट कहता है कि प्रैक्टिस फ्रॉम प्रीवियस ईयर पेपर। भाई ये तो मैंने आपको दिया है, इसके लिए आप सर्च करना बाय सचिन मोदी सर। ध्यान रखिएगा, सचिन मोदी सर से अगर आप सर्च करेंगे तो चीजें आपको बहुत ज्यादा सेट मिल जाएंगी, आपको बहुत ज्यादा सर्च नहीं करना पड़ेगा। सो दैट यू नो वॉट टू स्टडी एंड अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट पैटर्न, आप अपने लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग स्टडी कर पाओगे, ये भी ध्यान रखिएगा। और देन है एट नंबर पॉइंट, मेक नोट्स ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सो दैट यू कैन रिवाइज दैम एट द टाइम ऑफ एग्जाम। क्या करना है आपको, अपने नोट्स बनाने, तो नोट्स यार आपको देखो, नोट्स आप करंट अफेयर के बना सकते हो, बट दैट विल नॉट हेल्प यू। तो आप नोट्स बना सकते हो वोकैब के, आप नोट्स बना सकते हो कैलकुलेशन के, इनके नोट्स बना सकते हो। रीजनिंग में कोई नोट्स होता ही नहीं है, कुछ बेसिक चीजें होती है जो उसको आपको ध्यान में रखना है, नोट्स नहीं होता है रीजनिंग में, है ना। तो इसको, तो ये आपको टिप्स है जो कि हेल्प करेगी आपके पेपर को क्रैक करने में। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। आप काफी सारी चीजें यहां से सीख करके, इसे अप्लाई करके डेफिनेटली आप अपना पेपर क्रैक करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, बस इतना सा कहूंगा कि खूब मेहनत करिए, और जैसा मैंने आपको टाइम टेबल दिखाया है, अगर आप इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कर लेंगे ना मेहनत, तो आपका स्कोर सबसे बेस्ट होने वाला है, इसकी मेरी गारंटी है। मैं एक की बात ये और कहना चाहूंगा कि सभी के सभी बच्चे इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, और ज्वाइन करने के लिए आपको मैंने बताया ना, सचिन सर अनअकैडमी, ये सर्च कर लो, और इसे सर्च करके आप सीधे सीधे ज्वाइन कर लो, ठीक है। इसके अलावा फिर से कहना चाहूंगा, रिजर्व बैंक का एग्जाम है, लेकिन ये टफ नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। पेपर ऐसा नहीं कि पेपर बहुत टफ होगा, ये पेपर आप क्रैक कर सकते हो, ये जरूर ध्यान रखिएगा। इसका मतलब है कि आप पेपर क्रैक कर सकते हो, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। सो कीप इन माइंड योर माइंड कि हाँ मैं इस पेपर को निकाल लूंगा। एंड वंस अगेन मैं आप सभी बच्चों के लिए ये विश करूंगा कि जो अपकमिंग ईयर है आपका, जो 2020 आने वाला है, ये आपके लिए बेस्ट ईयर हो, ये आपका सबसे बेहतरीन ईयर हो। तो मेरी तरफ से तो आप सभी बच्चों की यही यही मनोकामना होगी, एंड आई बिलीव कि आप भी सेम सोच रहे होंगे कि हाँ हमारे सर के लिए 2020 भी बेस्ट जाए, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से कहूंगा, बेस्ट ऑफ लक। अब बस मेहनत करिए और नाम रोशन करिए, आपका, आपके परिवार का, आपके माता पिता का, और फिर अगर आपको लगता है तो सचिन मोदी सर का, ठीक है। चलिए, बाय बाय बाय, टेक केयर गाइज, ध्यान रखिएगा अपना, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।